लोग यहाँ वाटरफॉल में लुफ्त उठाते हैं। प्राकृतिक हरियाली और ये गगनचुंबी पर्वतमाला अति मनमोहक है। उत्तराखंड में स्थित मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। दूर दूर से तथा देश विदेश से आए लोग यहाँ की सुंदरता तथा मनमोहक प्रकृति का आनंद उठाते हैं। अब हमने अपनी यमुनोत्री की यात्रा आगे के लिए प्रारंभ की है। यहाँ से यमुनोत्री 127 किलोमीटर पर है। यहाँ का मौसम और सौंदर्य बहुत ही सुहाना है। यहाँ मौसम साफ होने पर दूर दूर से बर्फ के पहाड़ों को देखा जा सकता है तथा विशेष आनंद प्राप्त होता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में ये घुमावदार सड़कें लहराती हुई नागिन जैसी लगती हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत होता जा रहा है। साथ में चल रही यमुना की कलकल करती धारा और यमुना की ध्वनि हृदय को आनंदित कर रही है। ऊपर जाते ही यहाँ का मौसम भी बदल जाता है। दिन में सुनहरी ठंड होती है और शाम होते ही तथा रात को कड़क ठंड हो जाती है। हमें भारी गर्मी कपड़े पहनने पड़ते हैं। 2013 में आई त्रासदी ने यहाँ सब कुछ तहस नहस कर दिया, किंतु उसके बाद से यहाँ की सरकार ने बड़ी तेजी से चारों धाम की यात्रा के लिए अनेक सुधार किए। जगह जगह पुल बन रहे हैं, नई सड़कें तैयार हो रही हैं। अतः अब हम नैनबाग, लाखा मंडल, चक्राता, बरकोट, स्यानी चट्टी, फूल चट्टी और हनुमान चट्टी होते हुए शाम को जानकी चट्टी पहुंच जाते हैं। हरिद्वार से 245 किलोमीटर की दूरी तय करके हम जानकी चट्टी पहुंचते हैं। मेरी रट्टी है बस तेरा नाम, मैं अवगुणी हूँ, तू गुण सागर, आया हूँ मैं तेरे धाम। हे शिव शंकर भोले भाले, तुमको लाखों प्रणाम। हे शिव शंकर भोले भाले, तुमको लाखों प्रणाम।
रत्न तुझको जब तक खराब यूं